टीडीएस भाउचर एंट्री अब हम टी डी एस भावचर एंट्री के बारे में एक्सप्लेन करेंगे टी डी एस डिडक्टेबल एक्सपेंसेस के लिए टीडीएस डिडक्टी से टीडीएस डिडक्शन करना और फिर गवर्नमेंट को टी डी एस डिपोजिट कर चलान एंट्री चलान प्रिंट टीडीएस डिडक्शन और डिपोजिट के चलान रिकाउंसिलेशन करना होता है इस वीडियो में हम इन सब ट्रांजेक्शन के बारे में और चलान रिकॉन्सिलेशन के बारे में और उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन एंट्री करने के बारे में सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टेली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है अब हम टी डी एस भाउचर एंट्री के बारे में बता रहे हैं मैनुअल सिस्टम में अक्सर पार्टी को पेमेंट के समय टी डी एस डिडक्शन कर नेट पेमेंट का एक एक ही पेमेंट भाउचर एंट्री करते हैं लेकिन टैली में टी डी एस डिडक्शन जर्नल भाउचर से ही करना है इसलिए इस तरह के ट्रांजैक्शन को दो भाउचर में स्प्लिट करना होगा पहले जर्नल भाउचर से टीडीएस डिडक्शन और पार्टी को नेट पेबल की एंट्री करे फिर अलग पेमेंट भाउचर में पार्टी को पेमेंट भाउचर करे जैसे कि हम रेगुलर पेमेंट भाउचर में करते हैं मतलब टीडीएस डिडक्शन कर पेमेंट के लिए दो भाउचर एंट्री करना है पहले एक जर्नल भाउचर और फिर एक पेमेंट भाउचर टीडीएस डिडक्शन भाउचर एंट्री के लिए गेट ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन सेक्शन के अंडर भाउचर सिलेक्ट करें अब भाउचर एंट्री स्क्रीन में F7 सेवन जर्नल बटन क्लिक कर भाउचर एंट्री स्क्रीन पाए और वहाँ एफ ट्वेल्व कन्फिगर बटन क्लिक करे भाउचर कन्फिगरेशन स्क्रीन में टी डी एस डिटेल सेक्शन के अंडर में तीनों सेक्शन तीनों ऑप्शन में आपको ऑप्शन सेट करना है पहला ऑप्शन मॉडिफाइड टैक्स डिटेल्स फॉर टीडीएस में यस करें ताकि जरूरत पड़ने से वो अमाउंट चेंज कर, सक, कर सकते हैं कभी कभी राउंडिंग ऑफ के लिए आपको चेंज करना होता है उसके बाद सो टीडीएस बिल एलोकेशन यहाँ हम नो सेट किए हैं क्योंकि हम सिम टी डिडक्शन ही खाली समझा रहे हैं जिसका बिल बाई बिल का अगर ऑप्शन सेट नहीं है तो आप यहाँ नो सेट करें अगर बिल बाई बिल का ऑप्शन आपको एक्टिवेट किया हुआ है पार्टी के लिए तो यहाँ यस सेट करें ताकि आपको बिल एलोकेशन का भी ऑप्शन भाउचर एंट्री के समय मिले सो टैक्स एनालिसिस डिटेल्स फोर्टी डी एस में ये सेट करें ताकि भाउचर एंट्री के समय आप टैक्स एनालिसिस डिटेल्स भी देख सकें अब पार्टिकुलर्स कॉलम में एक्सपेंसेस लेजर जिस एक्सपेंसेस के ऊपर में आपने टीडीएस डिडक्शन कर रहे हैं वो लेजर सिलेक्ट करें अब एक्सपेंसेस लेजर का अमाउंट लेजर का अमाउंट डेबिट कॉलम में एंट्री करें अब टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स में उस एक्सपेंसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टीडीएस के नेचर ऑफ पेमेंट है जो वहां लिस्ट से सिलेक्ट करें नॉर्मली लेजर अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट में सेट ही किया हुआ रहता है जब आपने एक्सपेंसेस अकाउंट क्रिएट किए हैं तो वहां से कैरी हो जाएगा नहीं तो आप यहाँ सिलेक्ट कर ले अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट टाइप ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करें और पार्टी कुलर्स में टीडीएस डिडक्टिव लेजर एंट्री करे सिलेक्ट करें मतलब जिस पार्टी को पेमेंट करना है टी डी एस डिडक्शन के बाद में मतलब जिससे आप टीडीएस डिडक्शन कर रहे हैं वो लेजर सिलेक्ट करें। अब पार्टी के बिल अमाउंट के से टीडीएस डिडक्शन करने के बाद में जो नेट अमाउंट पार्टी को पेबल होता है वो क्रेडिट कॉलम में शो होगा यह डिडक्शन आपके कॉरेस्पॉन्डिंग नेचर ऑफ पेमेंट जो सिलेक्ट किए हैं उसमें जो रेट आपने सेट करके रखा है उसके अनुसार और पार्टी के स्टेटस के अनुसार मतलब वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है उसके रेट के अनुसार ये कैलकुलेशन होगा और टीडीएस अमाउंट कम्प्यूट कर और उसको डिडक्ट कर नेट अमाउंट वहाँ क्रेडिट कॉलम में शो होगा ये सारे कैलकुलेशन टैली अपने आप ऑटोमेटिक करेंगे अगर आपने प्रॉपर रेट्स वहां और टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में सही तरीके से एंट्री कर चुके हैं तो अब नेक्स्ट लेजर अकाउंट एंट्री के लिए पार्टिकुलर कॉलम में टीडीएस लेजर सिलेक्ट करें। अगर आपने एक कॉमन टी लेजर बना के रखा है तो उसे सिलेक्ट करें और नहीं तो आपने उस कॉरेस्पॉन्डिंग टी नेचर ऑफ पेमेंट के लिए जो भी लेटर आपने अकाउंट क्रिएट किए हैं अलग अलग अगर टी लेजर अकाउंट क्रिएट किए हैं तो वही लेजर अकाउंट प्रॉपर लेजर अकाउंट यहाँ सिलेक्ट करें अब टीडीएस का कैलकुलेटेड अमाउंट जो अमाउंट पार्टी तो के अकाउंट से डिडक्ट किया हुआ के किया हुआ है वो अमाउंट यहाँ क्रेडिट कॉलम में ऑटोमेटिक शो हो जाएगा और भाउचर का डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा अब टीडीएस डिटेल्स जो टीडीएस डिडक्शन हुआ है उसका डिटेल्स देखने के लिए आप ओ रिलेटेड रिपोर्ट बटन क्लिक करें अब रिलेटेड रिपोर्ट स्क्रीन से टीडीएस टैक्स एनालिसिस ऑप्शन सिलेक्ट करें अब टीडीएस टैक्स एनालिसिस स्क्रीन में टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट और ऐसे जिसके जितने अमाउंट के ऊपर सारे डिटेल्स जैसे जितने अमाउंट पर टी डी एस का टैक्स टे, का रेट वगैरह सारा कैलकुलेशन शो होगा अब टीडीएस के और भी डिटेल्स सारे ब्रेकअप टी डी एस डिडक्शन अमाउंट के पूरा ब्रेकअप देखना है तो आप एक फाइल डिटेल्ड क्लिक करें अब टीडीएस स्क्रीन में उसके नीचे पूरे डिटेल्स शो होगा टी डी एस अमाउंटन उसके रेट अलग अलग कैलकुलेस टेड अमाउंट प्रिंटअप सारे शो होंगे इससे आप चेक कर ले कि यहाँ कैलकुले डिडक्शन सही हुआ है या नहीं अब आप भाचर एंट्री स्क्रीन में वापस आ जाएंगे मेन एंट्री स्क्रीन में, में यहाँ भूचर नारेसन एंट्री करें उचर नरेशन एंट्री होते ही भाउचर की एंट्री कंप्लीट हो गई यहाँ टाइप का भाउचर को सेव कर अब हम टी पेमेंट भाउचर यानी गवर्नमेंट में टी डी एस डिडक्शन का डिपोजिट का भाउचर डिस्कस कर रहे हैं टीडीएस डिडक्शन के बाद हम टी डी एस अमाउंट गवर्नमेंट को डिपोजिट करेंगे और पार्टी को नेट अमाउंट पेमेंट करेंगे पार्टी का पेमेंट नॉर्मल पेमेंट भाउचर की तरह ही होगा उसमें कुछ भी टीडीएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं Government TDS payment TDS है। गवर्नमेंट को टीडीएस पेमेंट में टीडीएस के साथ ही टीडीएस चलान भी प्रिंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम TDS payment voucher entry और TDS deposit, चलान प्रिंटिंग दोनों काम एक साथ करने के स्टेप्स बताएंगे गवर्नमेंट में टीडीएस डिपॉजिट के लिए गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन के अंडर भाउचर सिलेक्ट करें टीडीएस डिपॉजिट वाउचर सिंगल मोड में ही एंट्री करना है सिंगल मोड वाउचर एंट्री स्क्रीन पाने के लिए एच चेंज मोड बटन क्लिक करें सिंगल मोड के लिए चेंज वाउचर मोड से सिंगल एंट्री ऑप्शन सिलेक्ट करें सिंगल मोड पेमेंट वाउचर एंट्री स्क्रीन के हेडर में कैश बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें पर्टिकुलर कॉलम में टीडीएस लेजर अकाउंट सिलेक्ट करें टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट स्क्रीन में टाइप ऑफ रेफरेंस कॉलम में रेफरेंस में रेफरेंस रिकॉर्ड सिलेक्ट करें। टैक्स डिटेल्स लिस्ट से रेफरेंस सिलेक्ट करें जिसका एस डिपॉजिट करना है अब टी नेचर ऑफ पेमेंट स्क्रीन में सिलेक्टेड रेफरेंस के नीचे टी डिटेल्स शो होगा इस तरह मल्टीपल रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं बहुचर स्क्रीन में एफ ऑटोफिल बटन क्लिक करें स्क्रीन में टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में टाइप ऑफ ऑटोफिल से पेमेंट सिलेक्ट करें टैक्स टाइप टाइप फील्ड में ऑफ ड्यूटी टी डी एस सिलेक्ट करें। जिस पीरियड का टीडीएस डिपोजिट कर रहे हैं उस पीरियड का पीरियड फील्ड में फ्रॉम टू फील्ड में उस पीरियड एंट्री करें डिडक्शन टिल डेट में जिस डेट तक का डिडक्शन भाउचर कंसिडर कर रहे हैं उसका डेट एंट्री करें। नॉर्मली ये टू डेट के जैसा ही होगा इनकम टैक्स का सेक्शन एंट्री करें, एक भाउचर में एक ही सेक्शन के टीडीएस डिपॉजिट करें। नेचर ऑफ पेमेंट लिस्ट से सिलेक्ट करें। डिडक्टिव स्टेटस लिस्ट से सिलेक्ट करें। लिस्ट से रेसिडेंट स्टेटस सिलेक्ट करें कैश बैंक अकाउंट लेजर अकाउंट सिलेक्ट करें। अब भाउचरण एंट्री स्क्रीन में डिडक्शन के सारे डिटेल्स दिखाई देंगे प्रिंट या क्लिक करें। चलान प्रीव्यू के लिए प्रिंट स्क्रीन में आई प्रीव्यू बटन क्लिक करें। अब चलान प्रीव्यू मिलेगा उसे चेक कर ले प्रिंट स्क्रीन में प्रिंट बटन क्लिक कर चलान प्रिंट करें यह चलान बैंक में पे, पेमेंट के साथ डिपॉजिट करें चलान में बैंक स्टैंप और अपना चलान रेफरेंस एंट्री कर एक कॉपी चलान डिपॉजिटर को वापस टीडीएस चलान रिकॉन्सिलियन जीएसटी डिडक्शन जर्नल भाउचर और गवर्नमेंट में जीएसटी डिपॉजिट का पेमेंट भाउचर एंट्री करने के बाद दोनों में मैचिंग करना है टैक्स डि डिपोजिट भाउचर में चलान का डिटेल्स एंट्री करना है इस प्रोसेस को टैली में चलान रिकॉन्सिलेशन कहते हैं इस प्रोसेस के बाद चलान और डिडक्शन मैच होता है और यह सारे डिटेल्स टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न में रिफ्लेक्ट होता है चलान रिकॉन्सीलिएशन प्रोसेस सही ना होने से जीएसटी रिटर्न इनकम्प्लीट या रॉन्ग रह जाएगा अब हम चलान रिकॉन्सीलिएशन के स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे गेट वे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स सिलेक्ट करें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स मेनू में टीडीएस रिपोर्ट सिलेक्ट करें TDS रिपोर्ट्स मेनू में चलान रिकॉन्सुलेशन सिलेक्ट करें। पेमेंट पीरियड सेट करने के लिए चलान रिकॉन्सुलेशन स्क्रीन में एफ टू पीरियड बटन क्लिक करें। चेंज पीरियड स्क्रीन में फ्रॉम और टू में पीरियड सेट करें। नॉर्मली ये TDS रिटर्न के क्वार्टरली पीरियड होते हैं पीरियड के अनुसार TDS डिडक्शन का चलान रिकॉन्सुलेशन रिपोर्ट मिलेगा एफ एट शो ऑल पेंडिंग टगल बटन क्लिक करें ऑप्शन के अनुसार पेंडिंग यानी सिलेक्टेड पीरियड के जिस डिडक्शन टी डी एस डिडक्शन का गवर्नमेंट में टी डी एस डिपॉजिट नहीं हुआ या ऑल यानी सिलेक्टेड पीरियड के सारे टी डी एस डिडक्शन भाउचर्स की लिस्ट मिलेगी रिकॉन्सिलेशन बटन क्लिक करें। रिकॉन्सिलेशन स्क्रीन मिलेगा यहाँ सीधे कोई भी फील्ड में डेटा एंट्री एडिट करें या अपडेट डिटेल्स बटन क्लिक करें चलान डिटेल स्क्रीन में रिपोर्ट क्वार्टर पीरियड एंट्री करें। लिस्ट ऑफ बैंक से बैंक नेम सिलेक्ट करें। बैंक ब्रांच नेम एंट्री करें। बी एस आर कोड बैंक चलान नंबर और बैंक चलान डेट एंट्री करें। हर बैंक ब्रांच के लिए सेवन डिजिट बीएसआर मतलब बैंक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड कोड होता है इसके फर्स्ट थ्री डिजिट बैंक कोड और नेक्स्ट फोर डिजिट ब्रांच कोड है अपने बैंक ब्रांच से बी एस आर कोड मालूम कर सही कोड एंट्री करें नहीं तो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में आपका चलान ट्रेस नहीं होगा बैंक चलान में बी एस आर कोड स्ट करते हैं वापस चलान डिटेल स्क्रीन में ऑफ बटन क्लिक करें बेसिस ऑफ वैल्यूज लिस्ट में शो ऑल चलान टाइप्स के लिस्ट से शो ऑल चलान टाइप्स में ये नो सेट करें ये स्पेस बार प्रेस करने से एक एक टगल बटन है स्पेस बार प्रेस कर आप ऑप्शन सेट करें सेट किया हुआ ऑप्शन के अनुसार चलान रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट डिस्प्ले होगा